वन पीस का चैप्टर 1063 अनऑफिशियली आ चुका है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, नो वन एक्सपेक्टेड द फाइट दैट वी गॉट टू सी इन दिस चैप्टर। डिटेल में मैं अपना राय रखता है आफ्टर दिस इंट्रो, लेट्स बिगिन। पहले तो लेट्स टॉक अबाउट बॉनी एंड स्ट्रॉ हैट्स। इनका न्यू कॉस्ट्यूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बॉनी इज लुकिंग हॉट, लूफी कूल दिख रहा है, बट सबसे बेस्ट तो भाई जिम्बे दिख रहा है। क्या मतलब फुल गोवा हवाई वाइब्स। चॉपर तो भाई कार्टून लग रहा, क्या मतलब ये सब ही जापानी कार्टून है। वैसे पंक फाइव ने जिस वे में जिम्बे को भी लूफी बॉनी चॉपर जैसा भुक्कड़ समझा, आई लव्ड इट। एकदम गिनतामा लेवल कॉमेडी हो गई लमाओ। बॉनी एंड कोमा, आई लव्ड द पैनल जिसमें कोमा ने बॉनी को मस्त हाथों में उठा रखा है। सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर भाई। वैसे यहाँ पर कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, उनको लग सकता है कि ये जो पुलिस वाला जिसने लूफी लोगों पे अटैक किया, ये रियल कोमा है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक पैसिफिस्ता है एंड असली वाला कोमा रेवो के साथ है, बीमार। लास्ट चैप्टर में आई वॉज वंडरिंग कि कब बॉनी कोमा के बारे में बाकियों को बताएगी, बट वो इसी चैप्टर में बता दी। बढ़िया, मैं बता रहा बॉनी के बहुत मेंटल ब्रेकडाउन्स दिखने वाले अपने को। इस पैसिफिस्ता को देख के रोने लगी है। CP0 के साथ वाले सेरफिम से क्या ही होगा इसका। इस चैप्टर में वैसे हमें दो पर्टिकुलर सिचुएशंस ही दिखे हैं। फर्स्ट सिचुएशन की बात कर लिया मैंने ऑलरेडी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइट दैट नो वन एक्सपेक्टेड, ब्लैकबियर्ड वर्सेस लॉ। इस सिचुएशन से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है। पहले तो हमें ब्लैकबियर्ड का रीज़न पता चल गया कि क्यों वो पोनीग्लिफ्स को अप्रोच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कम रिस्क लेना पसंद करता है। वो बिग मॉम काइडो से पोनीग्लिफ चुराने से अच्छा लॉ जैसे रूकी से पोनीग्लिफ चुराना पसंद करेगा। वेल, लॉ इज़ नॉट अ रूकी एनीमोर एंड ये चीज़ लॉ ने पहले भी और इस चैप्टर में भी प्रूव किया है। लॉ ने इस चैप्टर में सिक फ्रूट के पावर्स को नलीफाई किया है थ्रू हिज स्ट्रॉन्ग हॉकी। वैसे हमें इस चैप्टर में बर्गस वान ऑगर, प्रोनंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी, डॉग क्यू और उसके घोड़े के डेविल फ्रूट्स के बारे में पता चला है। एंड एक्सेप्ट स्ट्रॉन्गर, सबके डेविल फ्रूट्स मुझे बहुत सही लगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डॉग क्यू सिक फ्रूट, प्रीटी इंटरेस्टिंग फ्रूट। डॉग क्यू हमेशा बीमार रहता है तो क्यों ना उसे बीमारी वाला ही फ्रूट दे दिया जाए। नाइस दिमाग ओडा, लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि क्या रियल लाइफ में भी आदमी को औरत बना देने वाला कोई बीमारी है, कि ये एक फिक्शनल डिसीज़ है। इधर पे कुछ रिटार्डेड किड्स बोल सकते हैं कि टिकटॉक ये बीमारी है, शट द फक अप। बर्गस का फ्रूट भी उसके लायक फ्रूटी है, बफ बफ फ्रूट। जजिंग फ्रॉम हिज स्ट्रेंथ, आई गेस इस फ्रूट से बर्गस की स्ट्रेंथ बफ हो जाती है। वैन ऑगर का वाप वाप फ्रूट मुझे पर्सनली बेस्ट लगा। वैसे यहाँ पर जितने लोग भी वैलोरेंट खेलते हैं या फिर खेल रखा है पहले, तुम्हारे दिमाग में इसके पावर्स को देख के चैम्बर नहीं आया क्या भाई? मेरे को तो चैम्बर ही दिमाग में आया इसको देख के। आई रियली थिंक कि ओडा ने चैम्बर से इंस्पायर होके ही इस स्नाइपर को टेलीपोर्ट वाले पावर्स दिया है। एक स्नाइपर विथ टेलीपोर्टिंग पावर्स मीन्स नोइसेंस फॉर ओपोनेंट्स ऑब्वियसली, एंड एट लास्ट स्ट्रोंगर भाई। इस सुअर से घोड़े को पेगासस के पावर्स, सीरियसली यार, पेगासस क्या सुंदर सा मिथिकल क्रिएचर है और ऐसे बीमार से घोड़े को मिल रहा है ये पावर्स, व्हाट द फक भाई। ऑल्दो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस फ्रूट्स पैरामीसिया एबिलिटी। उड़ाने के अलावा भी ये फ्रूट अगर अपने यूज़र को कुछ और स्पेशल पैरामीसिया एबिलिटी प्रोवाइड करता है तो मैं जानना चाहेगा कि वो कुछ क्या है। एंड एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि लॉ ने कॉन्करर्स हॉकी यूज़ करके डॉग क्यू के बीमारी को नलीफाई नहीं किया है। कॉन्करर्स हॉकी होता ये तो ब्लैक लाइटनिंग निकलता, ना कि वाइट लाइटनिंग। दिस माइट बी सम अनदर वर्जन ऑफ आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हॉकी, क्या पता भाई दोनों का मिक्स जैसा कुछ हो, बट ये कॉन्करर्स हॉकी नहीं है। ब्लैकबियर्ड वैसे लकी है कि स्ट्रो हैट्स उसके सामने नहीं आए, वरना लूफी, जोरो, सांजी, जिम्बे जो क्रश करते भाई। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि लॉ ब्लैकबियर्ड को हरा नहीं सकता, बट ब्लैकबियर्ड क्योंकि झुंड बना के मारता है, लॉ अकेला मोस्ट लाइकली इधर पर हार जाएगा एंड ब्लैकबियर्ड को तीनों रोड पोनीग्लिफ्स मिल जाएगा। बट देन अगेन, लॉ किसी वे में इधर से भाग जाए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर लॉ इधर हार गया तो फिर ओपे ओपेनोमी बीबी के पास आ जाएगा ना। वैसे ऐसा कुछ भी हो सकता है कि लॉ हार भी गया, उसका पोनीग्लिफ्स भी बीबी के पास चले गया, बस वो कैसे तैसे जिंदा बच गया। एंड इस फाइट से लूफी के अपकमिंग फाइट को थोड़ा सा गेस किया जा सकता है, कैसे मैं बताता है। देखो, किड अभी तक तीन योंकों से भिड़ चुका है, लॉ भी अब तीन योंकों से भिड़ चुका है,
बचा लूफी जिसने दो योंको से ही भिड़ा है अभी तक। बग्गी ब्लैकबेर्ड से भी लड़ा है लूफी बट योंको थोड़ी थे तब दोनों, तो ऐसा हो सकता है कि लूफी का नेक्स्ट ओपोनेंट बग्गी हो। बग्गी तो कोई दिक्कत नहीं देगा लूफी को, लेकिन वॉट अबाउट क्रॉस गिल्ड? क्रोकोडाइल एंड मीहॉक अगर उंगली किए लूफी लोगों को तो भाई मजा आएगा। वैसे क्रोकोडाइल मीहॉक के अलावा भी आई वुड लव टू सी अ रीमैच ऑफ लूफी एंड बग्गी। वैसे सोचो अगर लॉ के बदले किड ब्लैकबेर्ड के सामने आता तो क्या होता भाई, मज़ा आता क्यों? कॉन्करर्स आगे कुछ फीट्स देखने मिलते। ऑल्दो मुझे ये भी लग रहा है कि ये फाइट ऑफ स्क्रीन होने वाला है, तो अपने को लॉ ब्लैकबेर्ड के फीट्स इतने नहीं दिखेंगे, बस कंक्लूजन पता चल जाएगा वो भी करोड़ साल बाद। आई रियली होप कि ये फाइट हमें ऑन स्क्रीन ही दिखे, तभी मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीक शायद ब्रेक नहीं है, मुझे लॉ वर्सेस ब्लैकबेर्ड और अच्छे से देखना है। लूफी बॉनी लोग तो आई एम श्योर बच गए हैं पैसिफिस्टा के लेज़र बीम वाले अटैक से, बट उधर पे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। CP0 आने वाली है, जोरो कुछ मांगा है वेगा पंक से, मज़ा आएगा आने वाले चैप्टर्स में। एंड आई एम हैप्पी कि ब्लैकबेर्ड पैरेट्स के और मेंबर्स के डेविल फ्रूट्स के बारे में हमें पता चला। अब शायद बस वो नॉर्थ ब्लू वाले का डेविल फ्रूट देखना बाकी है। वो नेविगेटर का तो उड़ने वाला कुछ फ्रूट है, मरीन फोर्ट में देखा था, मतलब नीला बाल वाला ही बस बच गया है। अरे नहीं, वो लाल सा जो था लंबे नाक वाला वो भी बचा है, उसका भी फ्रूट देखना बाकी है। एंड आई गेस दैट्स इट। कमेंट से बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, लॉ जीतेगा कि ब्लैकबेर्ड? लॉ वैसे हाफते हुए दिखा है इस चैप्टर में, बट हाफ हाफ के उसने बिग बॉम के अगेंस्ट दुनिया भर का अटैक कर दिया था, तो भाई जीत सकता है लॉ भी, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ब्लैकबेर्ड जीत जाएगा लॉ के अगेंस्ट। लॉ अभी से हाफ जा रहा है एंड ब्लैकबेर्ड ने तो थोड़ा सा भी अपना हाकी या डेविल फ्रूट यूज़ नहीं किया अभी तक, प्लस यामी यामी नोमी के डेविल फ्रूट पावर्स को नलीफाई करने की एबिलिटी भाई लॉ के लगने वाले हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। वेट, क्योंकि ये वीडियो को मुझे थोड़ा और लंबा करना था ताकि मैं और एड्स डाल सकूं एंड आउट्रो के साथ भी ये वीडियो 20-25 सेकेंड ही और लंबी होती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्लिप को यूज़ करके इस वीडियो को लंबा किया जाए। तेरा मुझे पहले जाने तू।